अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए उज्जैन के संघ के कार्यकर्ता वार्ड स्तर पर धनराशि एकत्रित कर रहे हैं। नए धन संग्रह कार्यालय खोले जा रहे हैं। उज्जैन के तराना विधायक महेश परमार ने राम मंदिर निर्माण को लेकर समर्पण निधि 21,000 दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए सहायता निधि इकट्ठा करने को लेकर उज्जैन में अलग अलग जगह राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रहण अभियान के तहत केंद्र खोले जा रहे हैं। इंदौर रोड पर भी नए केंद्र की शुरुआत संत महात्मा की उपस्थिति में की गई। राजेंद्र नगर मंडल के नाम से केंद्र खोला गया है। तराना के विधायक महेश परमार ने साथियों के साथ मिलकर 21,000 रुपयों की राशि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए प्रेषित की है। सर्वप्रथम तो ये चंदा नहीं है, ये समर्पण निधि है और शिव की नगरी शिव का धाम और सब मिल पूर्ण करेंगे राम जी का काम। इस निमित्त तराना के माननीय विधायक महेश परमार जी द्वारा एक निधि संग्रह के निमित्त ये जो निधि दी गई है तो उनके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्ताव करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि इसी प्रकार से एक राशक के भगवान राम जी का जो भव्य निर्माण मंदिर का होने वाला है उसमें अगर आपकी भूमिका रहेगी तो उसके लिए बहुत बहुत हम आपके लिए कृतार्थ रहेंगे। तराना विधायक महेश परमार ने कहा कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं। देशवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं और मेरा परिवार भगवान राम की पूजन अर्चन करते हैं। यह राजनीति का मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी भगवान राम को मानती है। हिंदू होने के नाते भगवान राम ने मेरी आस्था है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी धर्म को नहीं बांटा है। यह भाईचारे का मामला है। हर धर्म के लोग प्रभु राम को मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया था उसको पूरे देश ने माना है। यह गर्व की बात है। कांग्रेस पार्टी के सभी लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने की है और भाईचारे की है। मंदिर बनने से एक बार फिर देश सोने की चिड़िया बनेगा। हर हिंदुस्तानवासी की और जिसमें भगवान श्री राम जी में जिसकी आस्था है उसके लिए तो हम सबके लिए गौरव की बात है। तो वो छोटी और तुच्छ काम है। तो हम मेरे और मेरे परिवार की ओर से प्रभु के चरणों में श्री चरणों में अर्पित है। लेकिन हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है और इससे बड़ा कुछ हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकता। मेरे रोम रोम रोमांचित है और मैं भगवान राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। तो इससे बड़ा मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या कहूँ। लेकिन भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनेगा और हम सब लोग पूरे देशवासियों, फिर रामायण का युग आएगा और पूरे सभी देशवासी हिंदुस्तानवासी सब एकजुट होकर भगवान जी की आराधना करेंगे और सब एक भाईचारे के साथ रहेंगे और हिंदुस्तान को फिर स्वर्णिम हिंदुस्तान बनाएंगे और जो पुराना इतिहास हमारा है भारत का वो पुराने दिन लौटेंगे और ये भव्य राम मंदिर बनेगा। हमारे आदरणीय साथी अजीत सिंह जी, वीनू कुशवाहा जी, जितेंद्र मंडोरा जी और सभी साथी, हमारे जो आदरणीय अनुराग जी और हमारे सर पप्पू गोस्वामी जी, इनके माध्यम से हमें सेवा का अवसर मिला और हमारी जो आस्था प्रभु श्री राम जी में है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जय जय श्री राम,